हेलो दोस्तों, मैं अभय यादव आप सभी का करियर पॉइंट क्लासेस में स्वागत करता हूं। साथियों, दोस्तों, नमस्कार, सभी का स्वागत है। जितने भी लोग जुड़ गए हैं सभी का स्वागत है करियर पॉइंट क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। और साथियों, सबसे पहला काम आप ये करें कि इस चीज़ को, इस सेशन को, लिंक को कॉपी करके शेयर कर दें। जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग होंगे आज की क्लास उतनी मज़ेदार आपको लगेगी, और जितनी ज़्यादा आपके सामने नंबर होगी उतना ही आपको मज़ा आएगा, क्योंकि आज की क्लास बहुत ही ट्रिकी और बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। क्योंकि आज हम पढ़ने वाले हैं मल्टीप्लिकेशन, और वो भी ट्रेडिशनल मेथड से नहीं, एक बहुत शानदार मेथड से, बहुत ट्रिकी मेथड से, जो आपको एग्ज़ाम हॉल में जो आप अपना कैलकुलेशन में टाइम खराब करते हैं वो टाइम बचवाएगा आपका, और उस टाइम को बचा के आप बहुत जल्दी चीज़ों को कर पाएंगे। चलिए, तो एक बार सभी लोग शेयर कर दें, एक बार सभी लोग शेयर कर दें, फिर मैं क्लास को स्टार्ट करता हूँ। जल्दी से एक बार सभी लोग शेयर करें, और फिर बहुत मज़ेदार चीज़ें पढ़ने वाले हैं हम लोग। और करियर पॉइंट क्लासेस आपके लिए जो डेली 9 बजे क्लास लेके आ रहा है, आपको उससे कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर हो रहा होगा। आप कुछ ज़रूर नया कुछ सीख रहे होंगे, और उन जो चीज़ें आप सीख रहे हैं उसको अन्य लोगों को भी सिखाने में मदद करें, अन्य लोगों को भी शेयर किया करो, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को शेयर किया करो। देखिए, आपकी नंबर ये डिसाइड करेगी कि जो काम हम लोग डेली रात 9 बजे कर रहे हैं ये हमेशा जारी रहेगा या कभी बीच में बंद हो जाएगा। ये आपकी नंबर डिसाइड करेगी कि पढ़ने वाले लोग कैसा रिस्पांस कर रहे हैं और कितने लोग पढ़ रहे हैं। तो ये चीज डिसाइड करती है कि ये जो काम चल रहा है ये कभी बीच में बंद हो जाएगा या लगातार चलता रहेगा। तो आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ने का काम करिए। जितने ज़्यादा लोग लाभान्वित होंगे उतनी ज़्यादा खुशी हमें और आप दोनों लोगों को होगी। चलिए, तो एक बार सभी लोग शेयर करके वापस आइए जल्दी से। एक बार सभी लोग जल्दी से शेयर करें, और फिर बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें पढ़ने वाले हैं। तब तक मैं थोड़ा सा स्टार्ट करता हूँ। जितने भी लोग जुड़ गए हैं सभी लोगों का स्वागत है, सभी लोगों को राम राम, सभी लोगों को राधे राधे, जय हिंद, जय भारत, सब कुछ ठीक है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। देखिए भाई, सबसे पहले मैं आपके सामने मल्टीप्लिकेशन को टाइप वाइज लेके आया हूँ। 2-3 टाइप में पढ़ना है हमें, तो मैं आपके सामने फर्स्ट टाइप लेके चल रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया टाइप फर्स्ट, और टाइप फर्स्ट में मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। वो क्वेश्चन आपको आते हो तो आप उनका कमेंट करना, नहीं आते तो फिर मैं उनको सिखाऊंगा। वैसे सबको आते होंगे क्योंकि मैं कक्षा 1 और कक्षा 2 की चीज़ पढ़ाने जा रहा हूँ, लेकिन मैंने बोला कि ट्रेडिशनल मेथड नहीं, कुछ अलग तरीके से पढ़ने की कोशिश करेंगे, तो वो चीज़ें ध्यान से कैप्चर करिएगा। देखिए, सबसे पहले मैंने आपको क्वेश्चन दे दिया, चलिए जल्दी से 42 और 21 का मल्टीप्लाई करके बता दो, 42 और 21 का मल्टीप्लाई करके बता दो। चलिए इसका आंसर करें सभी लोग, और इसको कितने सेकंड में आप कर पाते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 10 सेकंड, कितने सेकंड में आप आंसर कर पाते हैं 42 और 21 का आंसर करना। तो साथियों, एक चीज़ आप देखिए, सबसे पहली बात तो आपको कैलकुलेटर नहीं यूज़ करना, क्योंकि आप कैलकुलेटर यूज़ कर देंगे, क्योंकि मैंने देखिए थंबनेल में लिखा होगा कि आज के बाद कैलकुलेटर का काम खत्म। तो यहाँ पे अगर आप कैलकुलेटर लगा देंगे तो आप 2 सेकंड में आंसर बता देंगे, फिर तो फिर मशीनरी और इंसान की तुलना करना ही बेकार हो जाएगा, है ना। तो हम लोग इसको कितने सेकंड में करते हैं, और मैं बोल रहा हूँ कि आप जितने भी सेकंड में करते हैं उससे कम समय लगाने का काम मेरा है, उससे कम समय लगवाना काम मेरा है, तो मैं उससे कम समय लगवाऊंगा। तो देखिए भाई, पहले मैं इसको स्टार्ट करता हूँ। देखिए, इसको आप नॉर्मली जैसे बच्चों के तरीके करते होंगे, तो पहले 1 का किया या 21 का किया, फिर 2 का किया, फिर या डायरेक्ट आपने 21 का कर लिया। आपको हो सकता है टेबल आता हो, ठीक है, नहीं आता तो कोई बात नहीं, जो मैं तरीका बताने जा रहा हूँ उस चीज़ को कैप्चर करिए, उस चीज़ को अच्छे से समझिए। देखिए भाई कैसे करना है। सबसे पहली स्टेप जो आपको करनी, इस तरीके का मल्टीप्लाई में जो 2 डिजिट और 2 डिजिट का मल्टीप्लाई कराया जाए तो किस तरीके से करना, ध्यान से देखिएगा। अब आप अपने कमेंट रोकिएगा, अपना कॉपी पेन रखिएगा, जो चीज़ समझाई जा रही है उसको ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले आपको ये काम करना है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करना। तो आप कहेंगे कि 2 और 1 का मल्टीप्लाई हो जाएगा कितना, 2 और 1 का मल्टीप्लाई हो जाएगा कितना, 2। तो सबसे पहले मैंने क्या काम किया, जो नंबर यहाँ लिखी थी, जो नंबर यहाँ लिखी थी, दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब एक लाइन, सीधी एक लाइन का मल्टीप्लाई कर दिया। चलिए आगे बात करते हैं। अब हमें दोनों का क्रॉस करना होता है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करिए। तो जब इसका आप मल्टीप्लाई कर रहे होंगे तो 4 1 जा 4 या 4 1 4, और जब इसका मल्टीप्लाई कर रहे होंगे तो 2 2 4 या 2 2 जा 4। तो सीधी सी बात, हमें क्रॉस करना है तो मैंने कुछ इस तरीके से लिख लिया, हमें इस तरीके से काम करना होता है। पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 1 4, और इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 4, और 4 और 4 कितने हो जाएंगे, 8। 4 और 4 कितने हो जाएंगे, 8, बीच में 8 लिख दिए। फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो तो अगला काम हमारा ये रहेगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई आप करोगे तो 4 2 8, तो आपका आंसर आ गया 882 882। मल्टीप्लाई आपका आ गया 882। कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं थी, कोई भी ऐसी नई बात नहीं थी। आप अगर इसको 1 से कर रहे थे, फिर 2 से कर रहे थे, फिर दोनों को ऐड कर रहे थे, या फिर आप डायरेक्ट 21 का टेबल पढ़ के कर रहे थे, तो भी आपको इससे ज़्यादा टाइम लगेगा। मैंने समझाया इसलिए आपको 10-15-20 सेकंड लगे हैं, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि अगर आप एक बार चीज़ों को समझ लेंगे, आप 5 सेकंड से ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, 5 सेकंड से ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। करना क्या होता है, सबसे पहले मैंने इन दोनों का मल्टीप्लाई किया तो मैंने एक लाइन खींची हुई, इन दोनों का मल्टीप्लाई करिए। फिर उसके बाद क्या करना होता है,
इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई किया, क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब दो दूनी चार, चार एकम चार, तो चार और चार आठ लिख दिए बीच में, तो देखिए क्रॉस बना हुआ है बीच में, क्रॉस मल्टीप्लाई करना और फिर उसके बाद इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, ये पॉइंट नहीं है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करना, तो चार दूनी आठ। आपको ये फॉर्मेट ध्यान रखना है, टू डिजिट और टू डिजिट का जब भी मल्टीप्लाई कराएगा तो आपको ये वाला फॉर्मेट ध्यान रखना है, इस पर आपको काम करना है, आपका आंसर आ जाएगा। कोई भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं होगी, यहाँ तक चीज़ें सबको समझ में आ रही होंगी। मैं अगला देता हूँ, आप उसको करके बताइए जल्दी। 63 और 24 का मल्टीप्लाई आपको करना है। कोई भी ऐसी परेशानी वाली बात नहीं है जो आपको परेशान करे, जो आपको हैरान करे, ऐसी कोई भी दिक्कत नहीं, जो चीज़ आपको सिखाएगी उसका यूज करेंगे। जल्दी से देखिए कैसे करेंगे, ध्यान से देखना जल्दी से, सभी लोग करेंगे तो इस और इसका मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले इसका मल्टीप्लाई किया जाता, तो जब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो चार तीन बारह की दो वन कैरी, तो यहाँ पे वन लिख लिया। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, क्योंकि पिछले क्वेश्चन में कैरी नहीं थी, अब की बार कैरी वाला क्वेश्चन है। चलिए हम इन दोनों का मल्टीप्लाई, हाँ तो हमने क्या किया, चार और तीन, चार तीन बारह की दो, वन कैरी ऊपर लिख लिया। अभी हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि मेरी अगली स्टेप क्रॉस करना होता है, तो जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो छः चौकू चौबीस और तीन दूनी छः, चौबीस और छः कितने 30 और वन कैरी वाला था, वन कैरी वाला था तो 31 हो गया, तो 31 का वन बना लिया, थ्री कैरी, क्लियर, थ्री कैरी। अभी आगे करेंगे तो छः दूनी 12 और 3 15, तो 1512 आपका आंसर, 1512 आपका आंसर। कोई भी प्रॉब्लम वाली बात है क्या, कोई भी प्रॉब्लम आ रही है आपको, कोई भी दिक्कत आ रही है आपको, सारी चीज़ें क्लियर हो रही हैं। जैसे मैं बोल रहा हूँ, मैंने क्या किया, इस फॉर्मेट पे काम कर रहा हूँ, पहले इसका मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, फिर क्रॉस कर रहा हूँ, फिर फर्स्ट का मल्टीप्लाई कर देता हूँ। कोई भी दिक्कत नहीं आ रही ना, सारी चीज़ें समझ में आ रही और सबको समझ में आ रही। चलिए तो मैं अगला देता हूँ, जल्दी से करके बता दो। आप अगला मल्टीप्लाई करेंगे 43 और 21 का मल्टीप्लाई आप कमेंट करेंगे, जल्दी से 43 और 21 का मल्टीप्लाई करें। अब आप देखिए, एक कॉपी का पेज, एक पेज और एक पेन लेके बैठे, एक पेज और एक पेन लेके बैठे, जल्दी से जो भी मैं चीज़ सिखा रहा हूँ, कोई नोट्स बनाना नहीं है, बस आपको मल्टीप्लाई करके कमेंट करना है, बहुत जल्दी कमेंट करें। मैं बोल रहा हूँ कि सारी चीज़ें आपको अंडर 5 सेकंड लेके आ जाऊँगा, अभी 5 से 6 सेकंड में आप सारे मल्टीप्लाई करने लगेंगे, बस एक बार जो चीज़ें समझाई जा रही उनको अच्छे से समझिए। देखिए भाई, इसको जब आप करेंगे तो इसी फॉर्मेट पे काम करना है, जो आपका फॉर्मेट सामने बना हुआ है, इस फॉर्मेट पे जब आप काम करेंगे तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करिए, तो कितना होगा, 3 बन जा 3। अब हमें क्रॉस करना है तो क्रॉस करिए, 4 बन जा 4 3 2 जा 6 दो चार एकम चार और दो तीन छः, छः चार और छः और चार कितने 10, 10 की 0 वन कैरी, यहाँ पे लिखो, चार दूनी आठ और एक नौ, 903 आपका आंसर, 903 आपका आंसर। कोई भी प्रॉब्लम आई क्या, किसी को कोई भी दिक्कत आई, इसके अलावा कोई आंसर नहीं आया, सारी चीज़ें बिल्कुल सेम चल रही हैं। चलिए अगला मल्टीप्लाई करिए, 44 और 23 का मल्टीप्लाई करिए। 44 और 23 का मल्टीप्लाई करके आप बताओ, इसमें भी कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, 100% आप सारी चीज़ों को समझ पाएंगे। जल्दी से करिए सभी लोग, चलिए तो इसका आप आंसर कमेंट कर रहे हैं, जिन जिन लोगों का आंसर आया अपना अपना आंसर चेक करिए, जिनका नहीं आया वो लोग ध्यान से देखिए किस तरीके से मैंने करने को बोला, ये फॉर्मेट आपके सामने। तो सबसे पहले हमें इन दोनों का मल्टीप्लाई करना, इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे, 4 3 12 की 2 वन कैरी, या वन कैरी यहाँ पे लिखिए, कहीं पे भी लिखिए, आपको कैरी का ध्यान रखना है, तो 4 3 12 की 2 वन कैरी। अभी क्या करना है, 4 3 12 और 4 2 8 क्रॉस मल्टीप्लाई करना। देखिए सबसे पहले इस लाइन पे, सबसे पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई करना होता है, फिर क्रॉस हमें इस तरीके से मल्टीप्लाई करना होता है, फिर हमें इस तरीके से मल्टीप्लाई करना होता है। चलिए तो हमें क्या करना है, 4 3 12 की 2 एक कैरी, तो 4 3 12 और इधर 4 2 8 12 और 8 कितने 20 और एक कैरी थी तो 21 दो कैरी, अब कितनी दो कैरी, दो हासिल, 4 2 8 और 2 1012 आपका आंसर आ गया, 1012 आपका आंसर आ गया। तो सभी लोगों ने 1012 आंसर कमेंट किया होगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ, और जो चीज़ मैं सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ वो चीज़ आप समझ पा रहे होंगे और सब लोग समझ पा रहे होंगे, चीज़ों को आराम से कर पा रहे होंगे। चलिए तो यहाँ तक पॉइंट क्लियर, यहाँ तक सबको पॉइंट क्लियर, और बताइए भाई, ये जो चार क्वेश्चन आपने अंडर 5 सेकंड कर पाए हो, अगर आप चीज़ें करने लगे हों तो एक बार सभी लोग थम्सअप करके बताएं, जल्दी से सभी लोग थम्सअप करें, मैं आपको चार क्वेश्चन और दे रहा हूँ, फिर अगले टाइप की तरफ बढ़ता हूँ। चलिए सभी लोग एक बार थम्सअप करके बताएं भाई, कि जो चीज़ें आपको यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहा था वो चीज़ें आपने ऑब्जर्व कर पाई, वो चीज़ें आपने कैच कर पाई, तो सभी लोग एक बार थम्सअप करके बताएं, और मैं आपको नेक्स्ट चार क्वेश्चन और दे रहा हूँ, आप उनके आंसर कमेंट करेंगे जल्दी से।
चलिए भाई, तो मैं आपको चार क्वेश्चन और दे रहा हूँ, जल्दी से करके बताइएगा। 63 और 65 का मल्टीप्लाई कमेंट करिएगा, 63 और 65 का कमेंट करिएगा, 43 और 27 का मल्टीप्लाई करिएगा, जल्दी से 56 और 23 का मल्टीप्लाई करिएगा, जल्दी से 48 और 22 का मल्टीप्लाई करिए। चलिए करिए, यहाँ पे कुछ भी नंबर्स हो सकती हैं, आपके कोई भी नंबर्स हो सकती है। अब देखिए, ये चार क्वेश्चन मैंने दिए, इनके आप आंसर कमेंट करिए, फिर मैं आपको कुछ और बताता हूँ। जल्दी से आप इनके आंसर कमेंट करिए, और एक आंसर आप और कमेंट करेंगे, 65 और 54 का भी आंसर कमेंट करिए। चलिए, पाँच क्वेश्चन के आंसर कमेंट करिए, और मैं आपको एक मिनट का समय दे रहा हूँ, पाँच क्वेश्चन के लिए एक मिनट का समय दे रहा हूँ। अगर आपने चीज़ों को कैच कर लिया, अगर आपने चीज़ों को ऑब्जर्व किया, तो जल्दी से इनके आंसर कमेंट करिएगा। सभी लोगों का आंसर आना चाहिए, सभी लोगों का आंसर आना चाहिए। मैं थोड़ा फास्ट पढ़ाने की कोशिश इसलिए कर रहा हूँ कि बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, अगर एक बार आपने समझ ली, फिर आपको बस पेन चलाना है और आपका आंसर आना है। चलिए, तो एक बार सभी लोग इनका आंसर कमेंट करें, जल्दी से आंसर कमेंट करिए फटाफट। टाइप फर्स्ट के जो भी मैंने चार पांच क्वेश्चन दिए, सभी लोग इनके आंसर कमेंट करें जल्दी से, इनमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको, जल्दी जल्दी इनके आंसर कमेंट करते जाएं। देखिए, मैं सबसे पहले इसको लगाने की कोशिश करता हूँ, मैं इसका आंसर चेक कर रहा हूँ, जो भी आपके आंसर आ रहे हैं उनके आंसर कमेंट करते रहिएगा, और यहाँ से अपने चेक भी करते रहिएगा। जब आप इसको कर रहे होंगे तो आप लिख रहे होंगे 5 3 15 की 5 वन कैरी, 6 5 30 और 6 3 18, 6 5 30 और 6 3 18, 30 और 18 48, 30 और 18 48, 48 और 1 कैरी तो कितना हो जाएगा 49। अब कैरी हो गई कितनी, 4। अब कैरी कितनी हो गई, 4। 6 6 36 और 4 40 आपका आंसर, 36 और 4 40 आपका आंसर। इसको जब आप कर रहे होंगे तो 7 3 21 की 1 2 कैरी, 7 3 21 की 1 2 कैरी, अब लिखेंगे 7 4 28 3 2 6, 7 4 28 3 2 6, 28 और 6 कितने 34, 28 और 6 कितने 34, 28 और 6 34 और 2 कैरी थी, तो 36 की 6 3 कैरी, 3 कैरी, 4 2 8 और 3 11, 1116 आपका आंसर। कोई भी चेक कर लीजिए, कैलकुलेटर से चेक कर लीजिए, सब में आंसर आएगा। इसका मल्टीप्लाई करते हैं, जल्दी से देखिएगा, इनका करेंगे तो 6 3 18 की 8 वन कैरी, 5 3 15 6 2 12, 5 3 15 6 2 12, 12 और 15 कितने 27, 12 15 कितने 27, और 1 कैरी का है तो 28, 2 कैरी, 5 2 10 और 2 12, 1288 आपका आंसर। आप अपने आंसर चेक करते जाइएगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, सारे क्वेश्चंस बिल्कुल सही लगे। इसको चेक करेंगे, 8 2 16 की 6 वन कैरी, 4 2 8 8 2 16, 4 2 8 8 2 16, 16 और 8 कितने हो जाएंगे, 16 और 8 कितने हो जाएंगे, जल्दी से जोड़िएगा, 16 और 8 आपके 24 हो जाएंगे, तो 24 4 2 8 8 2 16, 8 और 16 आपके हो जाएंगे 24, और 1 कैरी था तो 25 की 5 2 कैरी, 2 कैरी, 4 2 8 और 2 10 56 आपका आंसर, 1056 आपका आंसर। कोई भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, सारे आंसर आ रहे हैं। इसका भी जल्दी से आंसर करिएगा, इसका आंसर आप चेक करेंगे, 5 4 20 की 2, 5 4 20 की 2 सॉरी 0 और 2 कैरी, 5 4 20 की 0 2 कैरी, अभी इसको करेंगे तो 6 4 24 5 25, 6 4 24 और 5 25, 25 और 24 कितने 49, 25 और 24 कितने 49, 49 और 2 51 की 1 5 कैरी, 49 और 2 51 की 1 5 कैरी, अभी इसको करेंगे तो 6 5 30 और 5 35, तो 3510 इसका आंसर। बताइए, सारे क्वेश्चन मैंने 5 सेकंड के अंदर किए, सारे क्वेश्चन तो 5 सेकंड के अंदर नहीं किए, लेकिन हर एक क्वेश्चन को मैंने 5 से 6 सेकंड के अंदर कर दिया, और मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, इसलिए मैं थोड़ा सा स्लो कर रहा हूं। आप जब इनको करेंगे तो 100% 5 सेकंड के अंदर कर पाएंगे, मैं ये गारंटी कर रहा हूं। अगर आपने इन सारी चीजों को समझ लिया है तो आप 100% 5 सेकंड के अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे। बताइए, सारी चीजें क्लियर, एक बार सभी लोग थम्सअप करें, मैं इसको रफ करता हूं, टाइप सेकंड की तरफ बढ़ता हूं, एक बार सभी लोग थम्सअप करें जल्दी से, एक बार सभी लोग थम्सअप करके बताएं, मैं इनको रफ करके टाइप सेकंड की तरफ बढ़ता हूं। सभी लोग थम्स अप करते रहें भाई, और अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर करें, और क्लास ख़त्म हो जाने के बाद सभी लोग शेयर ज़रूर किया करें, अभी पढ़ लें, जब आपकी क्लास ओवर हो जाए तब सभी लोग शेयर ज़रूर करें, और मैं टाइप सेकंड की तरफ बढ़ता हूँ। चलिए भाई, टाइप सेकंड में आपको क्या करना है, सभी लोग इधर आ जाइए, सबका दिमाग और सबकी नज़र बोर्ड पे होनी चाहिए, और जो भी चीज़ आपको स्क्रीन पे कराई जा रही है उस चीज़ को ध्यान से करिए। अभी मैं जो टाइप सेकंड ले रहा हूँ उसको मैं ले रहा हूँ 100 से नीचे वाली संख्याओं का,
सौ से नीचे वाली संख्याओं का। अब सौ से नीचे संख्याएं कौन कौन सी होती हैं, जैसे आपका 91, 92, 93, 94, इस तरीके से 99 तक की जो भी संख्याएं होंगी इनका मल्टीप्लाई करना सिखा रहा हूं। और बहुत अच्छी ट्रिक होगी, 4 से 5 सेकंड में आप इसको भी कर पाएंगे, बस एक बार समझिए। उसमें भले ही आपको 1 से 2 मिनट लग जाएं, लेकिन जब आप समझ जाएंगे फिर आप 5 से 6 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगाएंगे। चलिए तो अभी इनका मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, 100 से नीचे वाली संख्याएं इनका मल्टीप्लाई करना सिखाता हूँ। पहले मैं एग्जांपल ले रहा हूँ आपका 95 और 96 का मल्टीप्लाई का, 95 और 96 का मल्टीप्लाई करूँ। दूसरा एक और मैं यहीं पे लिख लेता हूँ, 94 और 97 का मल्टीप्लाई करूँ। ठीक है, चलिए तो दो क्वेश्चन मैंने लिए हैं, आप इनके आंसर कमेंट करें सबसे पहले। और मैं एक बार सारी चीज़ें चेक करता हूँ कि आप तक सब कुछ ठीक ठाक पहुँच रहा है और ये आपको विजिबल है कि नहीं, ये आपको दिख रहा है कि नहीं, मैं एक बार चेक करता हूँ। आप इनके आंसर कमेंट करें, बस कैलकुलेटर का सहारा नहीं लेना, क्योंकि मैंने बोला कि आज के बाद आप कैलकुलेटर छोड़ देंगे तो आपको कैलकुलेटर का सहारा तो बिल्कुल नहीं लेना है। आप कमेंट करें कितने सेकंड में कर पाते हैं, मैं एक बार चेक करता हूँ, तुरंत कराऊंगा इसके बाद। चलिए तो आप इनके आंसर कमेंट कर रहे होंगे, आप जो भी ट्रेडिशनल मेथड लगाएंगे, आप 95 और 96 का मल्टीप्लाई करेंगे। अब इनके टेबल तो हमको आते नहीं है, तो सीधी सी बात, अब हम क्या करेंगे कि पहले 6 का करेंगे, फिर 9 का करेंगे, फिर ऐड करेंगे। बच्चों के तरीके से आप कर रहे होंगे और 100% आप 1 से 2 मिनट इसमें लगा जाएंगे। और मैं देखिए एक चीज़ और बता दूं आपको, इस क्लास के बारे में बता रहा हूं, आज की जो भी क्लास होगी इसका आपको क्वेश्चन डायरेक्ट तो नहीं मिलेगा, किसी भी परीक्षा में आपको इसका क्वेश्चन डायरेक्ट तो नहीं मिलेगा, लेकिन मैं ये 110% गारंटी सकता हूं कि अगर आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इन सारी चीजों से आपको गुजरना जरूर पड़ेगा। देखिए मैं ये नहीं कह रहा हूं कि यही क्वेश्चन आपका एक नंबर का पूछ लिया जाएगा लेखपाल के एग्जाम में या रेलवे के एग्जाम में या किसी भी एग्जाम में ये सारी चीजें नहीं पूछी जाएंगी, लेकिन आप जब कैलकुलेशन कर रहे होंगे, जब आप क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन लगा रहे होंगे, तब आपको ये चीजें जरूर मिल रही होंगी। तो इसलिए आज का वीडियो इंपॉर्टेंट है, और मैं हर संडे को एक ट्रिकी वीडियो लेके आने वाला हूं, तो अगला वाला जो भी पार्ट होगा उसमें डिवाइड सिखा दूंगा, फिर आपको फ्रैक्शन सिखा दूंगा, तो ये धीरे धीरे छोटी छोटी चीजें सिखाऊंगा। तो आप मल्टीप्लीकेशन समझिए, छोड़ के नहीं भागना है, पूरा वीडियो देख के जाना है, और वीडियो को क्लास के बाद शेयर जरूर करिएगा। चलिए तो देखिए भाई, अभी इसका मल्टीप्लाई करना है, ट्रेडिशनल नहीं करना, मैं बोल रहा हूँ 5 सेकंड के अंदर करना। कैसे करना है, अभी मैंने कौन सी संख्याएं ली हैं, 100 से नीचे वाली संख्याएं ली हैं, तो वे अपना 100 मानिए। आप ये देखिए कि ये वाली नंबर 100 से कितनी कम है, तो आप कहेंगे ये वाली नंबर 100 से 5 कम है, ये वाली नंबर 100 से कितनी कम है, आप कहेंगे ये वाली नंबर 100 से 4 कम है। पहली स्टेप क्या करते हैं, हम ये देखते हैं कि दोनों नंबर्स जो मेरी दी गई हैं जिनका हमें मल्टीप्लाई करना है कि वो 100 से है कितनी कम। तो 95 को चेक किया तो 95 आपका कितना कम था, 5 कम था। 96 को चेक किया तो 96 आपका कितना कम था, 4 कम था। ये आपकी पहली स्टेप हो गई। अभी अगली स्टेप हमें क्या करनी है, क्रॉस देखना है आपको, तो क्रॉस देखेंगे 96 में से या तो आप 5 माइनस कर लीजिए, 96 में से आप या तो 5 माइनस कर लीजिए या 95 में से आप 4 माइनस कर लीजिए। कोई भी आप काम कर सकते हैं, चाहे या तो ये वाला जो आपका दिया गया है वर्टिकल उसको कर लीजिए, इसको आप देख लीजिए, चाहे आप ये वाले डायगोनल को देख लीजिए। तो हमें कुछ करना क्या है कि दोनों में क्रॉस करना है, या तो 96 में से 5 कम कर लीजिए या तो 95 में से 4 कम कर लीजिए। तो हम दोनों में से करके बताते हैं, आप 95 में से 5 कम करेंगे तब भी आपके सामने 91 आएगा, और या 95 में से 4 कम करेंगे तब भी आपके सामने आएगा 91। ठीक है, तो करते क्या, पहले हमने ये चेक किया कि कितना कितना कम है, उसके बाद हमने क्रॉस घटा के लिख लिया। अभी क्या करना है, तो 91 आ गया, अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, तो 5 को 20 91 से 20 आपका आंसर हो गया, 9120 आपका आंसर हो गया। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, यही आपका आंसर है, 9120 आपका आंसर है। आप चेक कर सकते हैं, कैलकुलेटर से चेक करें, पेन से चेक करें, दिमाग से चेक करें, चाहे कैसे भी चेक करें, आंसर आपका 9120 ही आना है। क्लियर, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए भाई कितना कम है, आप कहेंगे 6 कम है। कितना कम है, 94 देखें 100 से कितना कम है, 6 कम है। आप इसको चेक करने जाएंगे तो आप कहेंगे ये तो 3 कम है, 3 कम है, यही तो हुआ ना। इसको चेक करिए तो 6 कम है, इसको चेक करिए तो 3 कम है, दोनों आपने लिख लिए। उसके बाद आप क्रॉस करेंगे, तो क्रॉस करने के बाद आप देखिए 96 में से या 97 में से या तो 6 माइनस करिए तब भी 91 आना है, 97 में से 6 माइनस करिए तब भी आपका 91 आना है, 91 आना है ना। चलिए आगे देखेंगे, या तो 94 में से 3 माइनस करिए, 94 में से 3 माइनस करेंगे तब भी 91 आना है। क्लियर, अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करिए, 6 3 18, तो 9118 आपका आंसर हो गया, 9118 आपका आंसर हो गया। कोई दिक्कत, कोई भी प्रॉब्लम तो नहीं, सारी चीज़ें समझ में आ गई। अगर ये समझ में आए तो एक बार भाई थम्सअप करो ना, एक बार अगर ये समझ में आ गया तो एक बार थम्सअप करिए। और मैं आपको इसके 5-6 क्वेश्चन दे रहा हूँ, सारे क्वेश्चन उड़ा दो, टाइप 3 पे चलेंगे हम लोग। चलिए तो ये चीज़ पहले आपको समझ आई कि नहीं समझ आई, मैं एक बार फिर से समझाऊँ, मैं एक बार फिर से समझाता हूँ, जल्दी देखिएगा। इस क्वेश्चन में समझाता हूँ,
94 और 97 का हमें मल्टीप्लाई करना था, 94 और 97 का मल्टीप्लाई करना था। आप ये देखेंगे कि 100 से हैं कितने कम, तो 96 6 कम होते हैं, 97 3 कम होते हैं, 96 6 कम होते हैं, 97 3 कम होते हैं। क्लियर? अभी हमें क्रॉस माइनस करना होता, तो 97 में से या तो 6 माइनस करिए तब भी 91 आएगा, 94 में से 3 माइनस करिए तब भी 91 आएगा, तो 91 लिख लीजिए, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दिए, 6 3 18 आपका आंसर आ गया। क्लियर? 61 18 आपका आंसर आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए अभी अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, आप जल्दी से कैलकुलेट करके कमेंट करेंगे और मैं उम्मीद ये करूँगा कि अब आप टाइम नहीं लगाएंगे, मैं उम्मीद ये कर रहा हूँ कि आप टाइम नहीं लगाएंगे, बहुत जल्दी आप आंसर कमेंट कर देंगे, जल्दी से करिएगा। 95 और 93 का कर दो, 92 और 98 का कर दो, 96 और 91 का कर दो। क्लियर? चलिए ये तीन करो, फिर मैं और आपको अगले तीन देता हूँ। इन तीन के आप आंसर कमेंट करिए, अगर आपको चीज़ें समझ में आ गई और आपने एक एक पॉइंट को पकड़ा है, एक एक पॉइंट को कैच किया है, तो इन क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी और आपको हर चीज़ समझ में आएगी। चलिए तो आप इनका कमेंट करिए, जल्दी से आप इनका कमेंट करिए, फटाफट इनके आंसर कमेंट करिए, फिर मैं अगले क्वेश्चन आपके सामने लेके आता हूँ। चलिए जल्दी से कमेंट करें। चलिए तो आप लोग कमेंट कर रहे होंगे, आप लोग इनके आंसर कमेंट कर रहे होंगे, मैं आपको चेक कराता हूं, मैं आपके सामने मल्टीप्लाई करके बताता हूं, और जो भी आपके आंसर आए अपने अपने चेक करिएगा किसका सही हुआ किसका गलत हुआ, और मैं उम्मीद ये करता हूं कि सबके सही होने चाहिए, क्योंकि मैंने बहुत शॉर्ट चीज़ें आपको बताई, बहुत ट्रिकी चीज़ें आपको बताने की कोशिश करी है, तो आपको 100% सारी चीज़ें समझ आई होंगी, मैं ये उम्मीद करता हूं, फिर भी आप चेक करिएगा। चलिए तो मैं इसको देखूंगा, तो 9500 से कितने कम है, 5 कम है, 9300 से कितने कम है, 7 कम है, यही तो हुआ ना, यही तो हुआ सबका। चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, चाहे इधर से घटा लो चाहे से घटा लो, तो 93 में से 5 घटाओगे तब भी 88 आएगा, और 95 में से 7 घटाओगे तब भी 88 आएगा, 95 में से 7 घटाओगे तब भी 88 आएगा, या 93 में से 5 घटाओगे तब भी 88 आएगा। अब इनका मल्टीप्लाई करके लिख दो, 5 7 35 आपका आंसर आ गया। इसका चेक करेंगे कितना कम है, 8 कम है, इसका चेक कम करेंगे कितना कम है, 2 कम है। इसका 8835 आंसर सब लोगों का सही था, जिन लोगों ने कमेंट किया था। 92 चेक करेंगे, 100 से 8 कम है, 98 चेक करेंगे कितना कम है, 2 कम है। अभी क्रॉस करेंगे तो इसमें से 98 घटाओ तब भी आपका, 98 में से 8 घटाओ तब भी आपका 9 आएगा, या 92 में से 2 घटाओ तब भी आपका 90 ही आएगा। क्लियर? अभी इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 2 16 आपका आंसर आ गया, तो 9016 आपका आंसर हो गया। इसको चेक करने जाएंगे, आप कहेंगे -4 कम है, इसको चेक करेंगे तो -9 कम है। इसको देखिए, ये -4 कम है, और इसको चेक करेंगे तो -9 कम है, किसी में से माइनस कर लीजिए, चाहे 96 में से 9 माइनस करेंगे, 96 में से 9 माइनस करेंगे तब भी आपके सामने 87 आएगा, या 91 में से आप 4 माइनस करेंगे तब भी आपके सामने 87 आएगा, चाहे आप कहीं से भी घटा के देख लें 87 ही आएगा, और इनका जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 4 36 आपका 8 7 36 आपका आंसर हो गया। तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, आप इन क्वेश्चन के भी आंसर विद इन सेकेंड 4 से 5 सेकेंड के अंदर कर पा रहे होंगे, और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि सबको समझ में आ रहा होगा, और सबको अगर समझ में आ रहा है तो एक बार सभी लोग लाइक और थम्सअप करते रहें, लाइक और थम्सअप करके बताते रहें, हमारी टीम ये समझ जाएगी कि आपको जो चीज़ें समझाने की कोशिश करी जा रही वो चीज़ें आपको 100% समझ में आ रही है। चलिए तो इसको मैं रफ करता हूँ, और देखिए वीडियो छोड़ के भागना इसलिए नहीं, क्लास को छोड़ के इसलिए नहीं भागना है, क्योंकि मैं लास्ट में बहुत अच्छी अच्छी ट्रिक्स लेके आया हूँ, और बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट इसी तरीके से विद इन सेकेंड हम मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे। चलिए तो मैं आपको दो क्वेश्चन और दे रहा हूँ, जल्दी आप उनके भी आंसर कमेंट करके बताएं, और फिर मैं टाइप थर्ड पे चलूँ। 5 टाइप आपको कराने वाला हूँ, तो इसलिए भागना नहीं है, मैं 5 टाइप आपको कराऊंगा इसी क्लास में। चलिए देखिए भाई, अगला क्वेश्चन जल्दी से कर दें। 89 मल्टीप्लाई 92 कर दो, और 93 मल्टीप्लाई 99 कर दो, ये दोनों मल्टीप्लाई और कर दीजिए जल्दी से। चलिए ये 99 अभी मत करिए आप, इसको 96 कर लो। चलिए ये दोनों आंसर आप कमेंट कर दें जल्दी से, और इन क्वेश्चंस के आंसर आप जैसे ही कमेंट करेंगे मैं टाइप थर्ड पे चलूँगा, जल्दी से आपको टाइप थर्ड पे लेके चलूँगा, जल्दी से इनके आंसर कमेंट करें सभी लोग। 89 और 92 का मल्टीप्लाई करना, 93 और 96 का मल्टीप्लाई करना। चलिए तो देखिए मैं कराता हूँ, यहाँ पे आप देख रहे होंगे 11 कम है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे 8 कम है, इधर आप देख रहे होंगे कि 8900 से 11 कम है, और 92 को चेक कर रहे होंगे तो 8 कम है। अभी हमें क्रॉस करना है, तो चाहे इनमें से इसको घटा लो चाहे इसमें से इसको घटा लो, तो 89 में से 8 घटा लो, 89 में से 8 घटाओगे तो कितना आएगा आपका 81 आएगा, 89 में से 8 घटाओगे तो कितना आएगा
81 आएगा, अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो तो 11 88 आपका आंसर हो गया। क्लियर, कोई भी प्रॉब्लम तो नहीं, कोई भी प्रॉब्लम तो नहीं, सबका आंसर यही आया था। इसको चेक करेंगे तो -7 है, इसको चेक करेंगे -4 है, इसको चेक करेंगे -4 है, इसको चेक करेंगे -7 है, चाहे इसमें से माइनस कर दो चाहे इसमें से माइनस कर दो, आपके सामने जो चीज़ आएगी वो 89 ही आएगी। 96 में से 7 माइनस करोगे तो 89 आएगा, और इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे 7 4 28 आपका आंसर है, तो 8928 आपका आंसर है। विद इन सेकंड कर पा रहे ना, मैं तो बोल रहा था 5 सेकंड में करेंगे, लेकिन आप तो 2 ही सेकंड के अंदर आंसर कर देते हैं, आप तो 2 ही सेकंड के अंदर आंसर कर रहे हैं और सबको समझ में आ रहा है, सभी लोगों को बहुत अच्छी क्लास लग रही है। तो एक बार भाई थम्सअप तो बनता है ना, थम्सअप बनता है, तो देखिए जो चीज़ समझ आए आप थम्सअप तुरंत किया करो, थम्सअप जब अपनी तरफ से करने लगोगे हम ये समझ जाएंगे कि हमारे और आपके बीच का जो कम्युनिकेशन लेवल है वो बहुत अच्छा चल रहा है। जो चीज़ मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो आप समझ पा रहे हैं, और जो चीज़ मैं चाह रहा हूँ आपसे थम्सअप और आपका लाइक वो भी हमें मिल रहा है। तो एक अपने कम्युनिकेशन जो बॉन्ड है उसको मेंटेन करिए। चलिए मैं टाइप 3 पे चलता हूँ, और कोई भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं, आपको सारी चीज़ें एक एक करके समझ में आ रही हैं। चलिए तो मैं टाइप 3 पे चलता हूँ, तब तक आप लोग थम्सअप करके बताते रहें कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं। चलिए टाइप 3, टाइप 3 जो है वो भी आपका बिल्कुल ऐसे ही है, बस उसमें क्या मैंने किया है कि 100 से ऊपर की संख्याएं ली हैं, 100 से ऊपर की संख्याएं जैसे ली हैं तो 100 के ऊपर की संख्याओं में क्या है, चलिए देखते हैं 100 के ऊपर की संख्याओं में क्या है। जैसे मैंने जो संख्याएं आपकी 101 102 103 104 105 106 वाली संख्याएं जो होती हैं उन संख्याओं को लेने की कोशिश करिए, तो उसको भी मैं आपको समझा रहा हूँ, जल्दी से ध्यान से समझिए। और सभी लोग, जितने भी नए लोग हैं, जितने भी नए लोग आज जुड़े हुए हैं, सभी लोग कैरियर पॉइंट क्लासेस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब इसलिए करें ताकि आपको इस तरीके की जो ट्रिकी क्लासेस हैं, जो सिलेबस क्लासेस चल रही, जो रेलवे वाली क्लासेस चल रही हैं, जो जीएस की क्लासेस चल रही हैं, ताकि आपको हर क्लास टाइम पे मिले। और देखिए सबसे जो इंपॉर्टेंट बात मैं बताना भूल गया आपको, आज सुबह आपके लिए एक वेबसाइट लॉन्च करेगी, आज जो भी आपकी वेबसाइट लॉन्च हुई है वो कौन सी है, www.cpclasses.in। इस वेबसाइट पे आप जाएंगे, आप समझ लीजिए ज्ञान के भंडार में आप प्रवेश कर जाएंगे। ज्ञान के भंडार में प्रवेश करने का मतलब आपको अनलिमिटेड पीडीएफ मिलेंगी, वहाँ पे करेंट अफेयर मिलेगा डेली डेली का, करेंट अफेयर के साथ साथ आपको जो भी हैंड रिटन नोट्स चाहिए, हैंड रिटन नोट्स चाहिए वो भी आपको वहाँ पे मिल जाएगा। उसके अलावा आप अगर क्विज़ प्ले करना चाहते हैं तो वो आपको क्विज़ का भी वहाँ पे व्यवस्था करेगी। उसके अलावा आप अगर बैच की जानकारी लेना चाहते हैं कि किस टाइम कौन सा ऑफलाइन बैच है, तो वो चीज़ें आपको वहाँ पे जानकारी मिल जाएगी। उसके अलावा देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात थी जो मैंने वहाँ पे डिस्कस नहीं कर पाई थी, वहाँ पे एक योजना चल रही है, पढ़ो और पढ़ाओ, पढ़ो और पढ़ाओ, उस पर आप जाना। जैसे ही आप इस साइट पे जाएंगे, इस साइट पे आप एंटर करने के बाद आपको एक योजना दिखेगी, वहाँ पे न्यू में आ रही होगी पढ़ो और पढ़ाओ योजना। तो पढ़ो और पढ़ाओ योजना जो है वो गार्जियंस के लिए और टीचर्स के लिए दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। पढ़ो और पढ़ाओ योजना गार्जियंस और टीचर दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। जितने भी लोग, जितने भी अपने नन्हे मुन्ने प्यारे छोटे भाई बहन होते हैं जो 6th 7th 8th क्लास में पढ़ रहे हैं, उनके टीचर्स के लिए परेशान रहते हैं कि उनको टीचर्स नहीं मिलते हैं। आप इस पर जाइए, पढ़ो और पढ़ाओ योजना पर अपना रजिस्ट्रेशन करिए, तो हमें पता चलेगा कि आपके स्टूडेंट के पास टीचर नहीं, हम टीचर भेजने का काम करेंगे। चलिए, और अगर कोई टीचर ऐसा है जिसके पास पढ़ाने के लिए बच्चे नहीं हैं, लॉकडाउन में देखिए हमारे सभी भाई, हमारे जितने भी टीचर साथी थे, सभी लोगों के सामने ये प्रॉब्लम्स चल रही हैं कि उनके पास अभी ऐसा कोई काम नहीं है जिसको वो कर पाएँ। तो बहुत सारे लोग होम ट्यूशन की जुगाड़ में रहते हैं, बहुत सारे लोग होम ट्यूशन पढ़ाते हैं, और होम ट्यूशन पढ़ाने में कोई शर्म की बात भी नहीं है। चलिए तो सभी लोग वहाँ पे, जितने भी टीचर साथी हैं वो वहाँ पे जाएं, अपना रजिस्ट्रेशन करें, बताएं कि हम इस क्वालिफिकेशन रखते हैं और ऐसे ऐसे बच्चों को पढ़ा सकते हैं, अपना वहाँ पे फॉर्म फिल कराया जाएगा और उस हिसाब से आपकी लोकेशन पे आपको बच्चों का इंट्रोडक्शन कराया जाएगा और जो भी आपका है वहाँ पे आप पहुँचाए जाएंगे। चलिए तो ये आपकी बहुत अच्छी पढ़ो और पढ़ाओ योजना है, आप जरूर चेक करिए, cpclasses.in वेबसाइट विजिट करिए। चलिए तो इसको मैं ख़त्म करता हूँ, अभी क्लासेस स्टार्ट करता हूँ, टाइप 3 पे अपना चलते हैं और इसको फिर कभी डिटेल में देखिए। तो आपको इंपॉर्टेंट ये करना है, आप इस साइट पे विजिट करें, सारी चीज़ें आपको वहाँ पे समझ आएंगी। नहीं अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो डिस्क्रिप्शन में आपको एक नंबर दिया जाता है, उस पर आप करके बात कर सकते हैं। चलिए तो अभी इसको मैं रफ करता हूँ, टाइप 3 पे चलते हैं। टाइप 3 क्या है, टाइप 3 में मैंने 100 से ऊपर की जो संख्याएं ली हैं, तो देखिए मैं आपके सामने संख्याएं लेता हूं, आपको 102 और 103 का मल्टीप्लाई करना है, 104 और 106 का मल्टीप्लाई करना है, और 109 और 103 का मल्टीप्लाई करना है। चलिए इन तीन में आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएगा और जो आपको समझाने की कोशिश करी जाएगी वो सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। चलिए देखते हैं करना क्या है आपको, इसमें भी आपको बिल्कुल सेम चीज़ें वही करनी है। देखिए सबसे पहले ये 100 से कितनी ज़्यादा है, वो 100 से कितनी कम होती थी, ये आप देखिए 100 से कितनी ज़्यादा है, तो आप कहेंगे ये 100 से कितनी ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है। इसको देखेंगे तो 100 से कितनी ज़्यादा है, 3 ज़्यादा है।
100 से कितनी ज़्यादा है, ये दो ज़्यादा है, 100 से ये कितनी ज़्यादा है, 3 ज़्यादा है। क्लियर, सारी चीज़ें क्लियर। चलिए तो आप इसको चेक करेंगे, उसके बाद आप देखिए फिर से क्रॉस करना है, या तो आप 103 में 2 जोड़ दीजिए या 102 में 3 जोड़ दीजिए। प्लस है तो प्लस किया जाएगा, माइनस होता था तो माइनस करते थे, बिल्कुल सेम है। तो अभी आप 102 में 3 जोड़ेंगे तब भी आपके सामने 105 आएगा, या आप 103 में 2 जोड़ेंगे तब भी आपके सामने 105 आएगा। क्लियर, अभी आप इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो इन दोनों का मल्टीप्लाई होता है 3 × 2 = 6, बट आप उसको 06 लिख देंगे तो 105 06 आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर, कोई भी प्रॉब्लम तो नहीं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं। अगले क्वेश्चन पर पढ़ते हैं, कितना ज़्यादा है, 4 ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है, 6 ज़्यादा है, क्रॉस करना है, चाहे आप इसको ऐड कर लीजिए चाहे आप इसको ऐड कर लीजिए, आएगा आपके सामने 110। 106 और 4 जोड़ेंगे तब भी 110, 104 और 6 जोड़ेंगे तब भी 110। अभी इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 6 × 24 आपका आंसर, 110 × 24 आपका आंसर। कोई भी प्रॉब्लम वाली बात तो नहीं है। अभी इसका मल्टीप्लाई करना है तो देखिए कितने ज़्यादा है, 9 ज़्यादा है, ये कितने ज़्यादा है, 3 ज़्यादा है। या तो 109 में 3 जोड़ लीजिए, सॉरी 103 में 9 जोड़ लीजिए या 109 में 3 जोड़ लीजिए, दोनों बातें एक ही हैं। आप जब इनको जोड़ेंगे तो आपके सामने 112 आएगा, और 112 में 9 × 3 = 27, 9 × 3 = 27, तो 112 27 आपका आंसर हो जाएगा। कोई भी दिक्कत तो नहीं इन क्वेश्चंस में, आपको कोई प्रॉब्लम, इन क्वेश्चंस में आपको कोई दिक्कत तो नहीं, सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही, एक एक पॉइंट आपको समझ में आ रहा है। चलिए दो क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, दोनों क्वेश्चंस के आप आंसर कमेंट कर दो और इस टाइप को भी खत्म करके टाइप 4 पे चलते हैं। बहुत छोटी छोटी चीज़ें, मैंने बोला कि ये सारे क्वेश्चंस तो आपको नहीं मिलेंगे, इस तरीके का क्वेश्चन तो नहीं मिलेगा, लेकिन ये क्वेश्चंस के बीच में आप जरूर सॉल्व करने को मिल सकते हैं। चलिए तो जल्दी से 108 और 110 का मल्टीप्लाई कर दो, और एक और कर दो 106 और 107 का मल्टीप्लाई कर दो। चलिए भाई मल्टीप्लाई कर दो जल्दी से इन दोनों के, कर दीजिए जल्दी से मल्टीप्लाई, फिर मैं टाइप 4th पे चलता हूँ आपके सामने, आपको टाइप 4th पे लेके चलता हूँ। जल्दी से इन दोनों के मल्टीप्लाई कर दो, आप सबके कमेंट आ जाएंगे और हम ये बात समझ जाएंगे कि आपको जो चीज़ समझाई जा रही थी वो चीज़ आपको समझ में आ चुकी है। जल्दी से आप इन दोनों क्वेश्चन के मल्टीप्लाई कर दो, जो भी चीज़ आपको समझाई जाने की कोशिश करी जा रही थी वो आपको समझ में आ जाएगी। चलिए करो भाई जल्दी से, करिए जल्दी से करें सभी लोग। देखें मैं कराता हूँ, आपके आंसर चेक करता हूँ जल्दी से। इस ये कितना ज़्यादा है, 8 ज़्यादा है, ये कितना ज़्यादा है, 10 ज़्यादा है, ये वाला 8 ज़्यादा है, ये कितना ज़्यादा है, 10 ज़्यादा है। क्रॉस करेंगे तो 110 में 8 जोड़ेंगे 118 आ जाएगा, और 8 × 10 = 80, तो आपका आंसर 118 = 80 आ गया। इसको जब लोग चेक करेंगे तो ये 6 ज़्यादा है, ये 7 ज़्यादा है, चाहे इसको ऐड कर लो चाहे इसको ऐड कर लो, तो आप लिखेंगे 113 और इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे 7 × 6 = 42, तो 113 = 42 आपके आंसर आ चुके होंगे। और ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी साथियों ने, आप सभी जितने भी स्टूडेंट्स देख रहे हैं सभी ने यही दोनों आंसर कमेंट किए होंगे और ये आंसर आपके बिल्कुल ठीक है। तो कैलकुलेटर का काम खत्म करने की धीरे धीरे कोशिश कर रहे हैं और आप उस लाइन पे बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं, सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ रहे हैं, सारे लोग सही से कमेंट कर रहे हैं। चलिए तो टाइप 4 पे चलें, टाइप 4 पे चलने से पहले एक बार सभी लोग थम्सअप करें, और थम्सअप से पता चलेगा कि हाँ आपको टाइप 3 तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, हम आगे बढ़ते हैं। चलिए टाइप 4 पे चलते हैं, टाइप 4 पे चल रहे हैं, तो इसको मैं रफ़ करता हूँ, आप लोग थम्सअप करते रहें, देखिए भाई टाइप 4 पे चलने से पहले आप लोग थम्सअप करके बताएं कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ चुकी हैं, चलिए तो टाइप 4 पे चलने से पहले एक बार मैं इंक डाल लेता हूँ, आप लोग जल्दी से थम्सअप करके बताएं कि आपको सब कुछ समझ में आ रहा है। चलिए तो टाइप 4 लेके आ गए, और देखिए भाई टाइप 4 आपके सामने लेके आया हूँ, आप लोग जल्दी से सभी लोग एक बार थम्सअप कर रहे हैं ना, सभी लोग थम्सअप करके बताएं कि आपको पिछली सारी चीज़ें समझ में आ चुकी हैं और टाइप 4 आपके सामने लेके आए। अब देखिए टाइप 4 में है क्या, टाइप 4 भी आप जल्दी से समझेंगे। टाइप 4 में आपके सामने मैं वो नंबर्स लेके आया हूँ जो 100 से कम होंगी, एक नंबर 100 से कम होगी और एक नंबर 100 से ज़्यादा होगी, इस तरीके के मल्टीप्लाई आपको करने हैं। तो करना क्या है, जैसे हमें 98 में मल्टीप्लाई करना है 102 का, या दूसरा क्वेश्चन मैंने ले लिया 95 में मल्टीप्लाई करना है 103 का, या मैंने और क्वेश्चन ले लिया 96 में मल्टीप्लाई करना है 105 का, कुछ भी नंबर ले सकते हैं आप। एक नंबर आपका 100 से बिलो, एक नंबर आपका 100 से ऊपर है, और उन दोनों के मल्टीप्लाई करने। तो देखिए अब सबका दिमाग और सबकी नज़रें इधर होनी चाहिए, सबको समझ में आना चाहिए, और एक बार एक क्वेश्चन में आप लोग समझ लीजिए, फिर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। फिर आपके सामने जितने भी क्वेश्चन बोर्ड पर दिए जाएंगे आप सबको उड़ा देंगे, विद इन सेकेंड आप कर पाएंगे। चलिए तो इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर आप जब देखेंगे तो देखिए सबसे पहले ये देखिए ये 100 से कितना कम है, ये 100 से 2 कम है तो -2 लिख लिया,
माइनस टू लिख लिया। उसके बाद क्या करना है, 102 देखिए 100 से कितना ज़्यादा है, तो 102 100 से ज़्यादा है कितना, प्लस का 2, दो ज़्यादा है तो प्लस का 2, जो दो कम है उसको मैंने माइनस का 2 लिखा है। अभी हमें क्या करना है, अभी क्रॉस करना है, तो क्रॉस आप करेंगे तो 98 में या तो आप 100 दो जोड़ लीजिए, 98 में दो जोड़ लीजिए तब भी आपका 100 आएगा, 98 में आप या तो दो जोड़ लीजिए तब भी आपका 100 आएगा, या 102 में से दो माइनस कर लीजिए, 102 में से दो माइनस कर लीजिए तब भी आपका कितना आएगा, 100 ही आएगा। क्लियर, कोई भी दिक्कत तो नहीं। अभी इसको 100 कर लीजिए। अब क्या काम करना है, जब भी आप ये वाला टाइप पढ़ रहे होंगे, एक नंबर छोटी और एक नंबर बड़ी वाला आएगा, तो आपको क्या करना है, जो चीज़ आपने निकाल ली 102 में से दो घटाए तब भी 100 आएगा, 98 में दो जोड़े तब भी 100 आएगा, इसके आगे दो जीरो और बढ़ाओ, इसके आगे दो जीरो और बढ़ाओ। दो जीरो बढ़ाने के बाद अब क्या करना है, अब हमें करना है दो दूनी चार, इसमें से चार माइनस कर देना, इसमें से चार माइनस कर देना, और जैसे ही आप इसमें से चार माइनस करेंगे तो यहाँ पे 10 हो जाएगा, 10 में से 4 जाएगा 6, यहाँ 9, यहाँ 9, यहाँ 9, तो आपका आंसर आ जाएगा 9996। कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी दिक्कत, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझें। मैंने क्या किया, यहाँ पे दो कम थे दो ज़्यादा थे, दो कम थे दो ज़्यादा थे, तो मैंने ये देखा कि अभी देखिए 102 में से या तो दो घटा लो तब भी 100 आएगा, 98 में या तो दो जोड़ लो तब भी 100 आएगा, दो जीरो बढ़ाइए और उस दो जीरो में से, मतलब दो जीरो में से क्या, पूरी नंबर जो बनेगी उसमें से इन दोनों का मल्टीप्लाई माइनस कर दो। तो मैंने दो दूनी चार माइनस कर दिया, 9996 आपका आंसर आ गया। सीधी सी बात, 10,000 में से चार घटाने, तो 10,000 में से चार घटाओगे 9,996 आपका आंसर आ जाएगा। उसको करके देखते हैं, देखिए कितना कम है, पाँच कम है, कितना कम है, पाँच कम है, कितना ज़्यादा है, तीन ज़्यादा है, 100 से चेक कर रहे हैं, 100 से कितना कम है, पाँच कम है, 100 से कितना ज़्यादा है, तीन ज़्यादा है। क्लियर, अभी हमें या तो ये इसको कर लें या फिर इसको कर लें, तो 95 में तीन जोड़ोगे तब भी आपका 98 आएगा, या 103 में से पाँच घटाओगे तब भी कितना आएगा, 98 आएगा। क्लियर, अभी हमें क्या करना है, ये काम करने के बाद दो जीरो बढ़ानी होती हैं और उन दोनों में से ये माइनस कर देना होता है, तो 15 माइनस कर देंगे, 9800 में से 15 माइनस करोगे तो इधर आपका 5 आएगा, इधर 9 आपका 8 आएगा, इधर आपका 7 आएगा, 9785 आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर, तो ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन आपने समझा है, इस क्वेश्चन को भी मैं करके बताता हूँ, फिर आप चाहे तो स्क्रीनशॉट कर लेना, या अगले क्वेश्चन देंगे उनमें आप अच्छे से जल्दी जल्दी करके बताना। देखिए यहाँ पे चेक करोगे तो कितना कम है, चार कम है, यहाँ पे चेक करोगे तो कितना कम है, चार कम है, यहाँ पे चेक करोगे कितना ज़्यादा है, पाँच ज़्यादा है। चलिए करके देखते हैं, 105 में से चार माइनस करो तब भी 101 आएगा, या 96 में पाँच जोड़ो तब भी 101 आएगा, लेकिन उसके बाद जो मेरा काम होता है, हम क्या करते हैं, दो जीरो बढ़ाते हैं और उसमें से चार पंचे 20 माइनस कर देंगे, चार पंचे 20 माइनस कर देंगे। जब इसको आप माइनस करेंगे तो देखिए इसमें से माइनस करेंगे तो ये जीरो आएगा, ये आपका 8 आ जाएगा, ये आपका जीरो हो जाएगा, 001, तो 100 80 आपका आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा 100 80, कैसे, ये आपका 101 और दो जीरो में से चार पंचे 20 माइनस करने थे, आपका आंसर आ गया। तो चाहे आप इनका स्क्रीनशॉट कर लो, मैं आपके सामने तीन क्वेश्चन और दूंगा, उनके कैलकुलेशन करके बताना आप लोग जल्दी से, और विद इन 5 से 6 सेकंड में आप इनके आंसर निकाल पा रहे हैं। चलिए तो इसका आप स्क्रीनशॉट कर लो अगर करना है तो, नहीं तो मैं अगले क्वेश्चन दे रहा हूँ, उन क्वेश्चन के आप आंसर कर दो जल्दी से। चलिए तो कौन सा वाला टाइप पढ़ रहे हैं हम लोग, एक नंबर आपका 100 से नीचे होगा और एक नंबर आपका 100 से ऊपर होगा, वो वाला टाइप हम लोग पढ़ रहे हैं, और आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं, आप लोग कमेंट भी करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन कर दीजिए जल्दी से, 93 और 104 का मल्टीप्लाई कर दो, 95 और 102 का मल्टीप्लाई कर दो, ये दो क्वेश्चन के आप आंसर कमेंट कर दो, और इन दो क्वेश्चन के आप आंसर कमेंट कर दोगे मैं टाइप 5 पे लेके चलूँगा, आपको टाइप 5 पे लेके चलूँगा, जल्दी से इन दो क्वेश्चन के आंसर कमेंट करिए, जल्दी से इन दो क्वेश्चन के आंसर कमेंट करिए, टाइप 5 पे चलेंगे, और किसी को क्लास छोड़ के नहीं भागना है, भाग जाओगे तो फिर आप खिलाड़ी कैसे रहोगे भाई। जब देखिए जब आप मैदान छोड़ के ही भाग जाओगे फिर आप खिलाड़ी कैसे, खिलाड़ी तो वो बनता है ना जो मैदान में टिका रहता है, तो आपको लास्ट तक रुकना है, और लास्ट तक रुकना है, इन सारी चीज़ों के आंसर कमेंट करो, टाइप 5 पे लेके चलूँगा। चलिए देखिए इसको आप चेक करेंगे तो देखिए ये 100 से 7 कम है, इसको आप चेक करेंगे तो कितना ज़्यादा है, 4 ज़्यादा है। इसके बाद हम क्या करते हैं, या तो इसको कर लें या तो इसको कर लें, तो 93 और 4 97 होता है, या फिर 104 में से 7 घटाओ तब भी 97 आएगा, दो जीरो बढ़ाएंगे और उसमें 7 चौक 28 माइनस कर देंगे, 7 चौक 28 माइनस करोगे तो ये 2 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, 9662 आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर, कोई भी दिक्कत है क्या, 5 सेकंड से कम ही लग रहे हैं ना, अब तो आपको 2 और 3 सेकंड ही लगने लगे। चलिए इसको करके देखते हैं जल्दी से, कितना कम है, 5 कम है, कितना ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है, क्रॉस करेंगे तो इसको 97 ही पाएंगे, चाहे इसमें इसको 2 जोड़ दो तब भी 97, 102 में से 5 घटा दो तब भी 97, दो जीरो बढ़ाएंगे, दो जीरो बढ़ाएंगे, उसमें से 5 दूनी 10 माइनस कर देंगे, उसमें से 5 दूनी 10
माइनस कर देंगे, कोई प्रॉब्लम। यहाँ पे जीरो, यहाँ पे नाइन, यहाँ पे सिक्स, यहाँ पे नाइन, तो 9690 आपका आंसर। कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी, कोई भी समस्या, कोई भी दिक्कत नहीं है तो एक बार भाई थम्सअप करो ना जल्दी से, एक बार सभी लोग थम्सअप करके बताओ, सभी लोग एक बार थम्सअप करके बताओ। आपको टाइप फाइव पे लेके चल रहा हूँ, टाइप फिफ्थ पे लेके चल रहा हूँ, एक बार सभी लोग थम्सअप करके बताएं। सभी का थम्सअप आएगा मैं टाइप फिफ्थ पे लेके चलूँगा, वरना क्लास को यहीं पर ख़त्म कर दूँगा। जल्दी से सभी लोग टाइप फिफ्थ पे चलने के लिए सभी लोग एक बार थम्सअप करें, सभी लोग एक बार थम्सअप करें। मैं इन सारी चीज़ों को रफ़ करता हूँ, इन सारी चीज़ों को रफ़ कर रहा हूँ। जल्दी से आप टाइप फिफ्थ के चलने से पहले आप एक बार सभी लोग थम्सअप करके बताएं। चलिए टाइप फिफ्थ में जो आपके सामने मल्टीप्लाई लेके आया हूँ, टाइप फिफ्थ में जो आपके सामने मल्टीप्लाई लेके आया हूँ, क्योंकि मैंने बोला था टाइप वाइज ही चीज़ें पढ़नी है हमें, तो देखिए मैं टाइप फिफ्थ में जो आपके सामने मल्टीप्लाई लेके आया हूँ, आपने बहुत सारे क्वेश्चन देखे होंगे सिंप्लीफिकेशन जब सॉल्व किया होगा उसमें 999 का मल्टीप्लाई पूछ रहे थे। जैसे मैं एक क्वेश्चन देता हूँ आपको, 99 में मल्टीप्लाई कर दो 47 का, या मैं एक क्वेश्चन और देता हूँ 99 में मल्टीप्लाई कर दो 87 का, 99 में मल्टीप्लाई 87 का, 99 में मल्टीप्लाई 47 का। यह क्वेश्चन और दे रहा हूँ आपको, 999 में मल्टीप्लाई कर दो 123 का। एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ, 999 में मल्टीप्लाई कर दो 125 का। क्वेश्चंस बढ़े, एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ आपको, चलिए इधर देता हूँ, 9999 में मल्टीप्लाई कर दो 1234 का। ये चार क्वेश्चन में आपका टाइप फिफ्थ कवर करूँगा। चलिए तो इन सारे क्वेश्चन जो भी आप क्वेश्चन देख रहे हैं आप 100% एक या दो मिनट लगा जाएंगे, मतलब 60 सेकंड से ज़्यादा टाइम लगा जाएंगे, और आप अपने बहुत ही वैल्यूएबल टाइम को ख़राब कर देंगे जब आप एग्ज़ाम हॉल में बैठे होंगे, क्योंकि बहुत कम टाइम होता है, क्वेश्चन ज़्यादा होते, प्रेशर ज़्यादा होता है, एग्ज़ाम का प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। तो बहुत छोटी छोटी चीज़ें पढ़ रहे हैं, शॉर्ट ट्रिक्स पढ़ रहे हैं, और शॉर्ट ट्रिक्स का यूज़ करते हुए इन सारी चीज़ों को समझेंगे। तो सभी लोग एक बार ध्यान से इधर देखें, मैं पहले करके बताता हूँ। देखिए जब भी आपके सामने इस तरीके की चीज़ें आएँ जिसमें आपको 999 का मल्टीप्लाई कराया जाए, आप ध्यान से सुनिएगा, आप क्या करेंगे। देखिए इसमें 99 में मल्टीप्लाई हमें 47 का करना है, आप इसका मल्टीप्लाई करने के लिए एक ध्यान से देखें, जिस चीज़ का भी मल्टीप्लाई करना उससे एक कम लिखें, जिस चीज़ का भी मल्टीप्लाई करना है उससे एक कम लिखें। तो 47 का मल्टीप्लाई करना था 99 में, हमने एक कम लिखा, कितना 46, और जितना भी लिखा है उसको 46 को इसमें से माइनस कर दें। तो जब आप इसमें से माइनस करेंगे तो 9 में से 6 गया 3 और 9 में से 4 गया 5, तो 53 आपका आंसर हो गया। जी आपका आंसर हो गया, मजाक नहीं कर रहा हूँ, आपका आंसर ही यही है, 4653 आपका आंसर है, 4653 आपका आंसर है। मैंने क्या कर दिया, इसमें से इसको माइनस किया 3, इसमें से इसको माइनस किया 5, और इसमें से एक कम करके लिखा था 46। अगला ट्राई करते हैं, देखिए इसका मल्टीप्लाई करना है तो 99 में 87 का मल्टीप्लाई करना, हम लिखेंगे 86, हम कितना लिखेंगे 86, और इसमें से 86 माइनस करेंगे तो 9 में से 6 गया 3 और 9 में से 6 गया 3, और इसके बाद जब हम इसमें से करेंगे तो 9 में से 8 गया 1, तो 8613 आपका आंसर, 8613 आपका आंसर बिल्कुल आंसर है। इसको चेक करते हैं, 999 में से हम 123 करना है तो हम क्या लिखेंगे, इसको 122 लिखेंगे, 123 है ना, तो 122 लिखेंगे, 122 लिखेंगे, और 122 लिखने के बाद जो भी लिखेंगे उसको इसमें से माइनस कर देंगे, तो आप कहेंगे कि 7 7 8 1 2 8 7 7 आपका आंसर। कितने सेकंड लग रहे हैं, दो या तीन कितने सेकंड लग रहे हैं बताएं सभी लोग, कितने सेकंड लग रहे हैं आपको, चीज़ें समझ आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं। आप टाइम को छोड़िए, टाइम 1 2 3 4 5 सेकंड लग रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ये बताइए आपको चीज़ें समझ आ रही हैं कि नहीं आ रही, एक बार सभी लोग बताएं आपको चीज़ें समझ आ रही हैं। और अगर आपको चीज़ें समझ आ रही हैं तो इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करें, इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करिए सभी लोग, जल्दी से सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करिए, 999 125 का आंसर कमेंट करिए सभी लोग, 999 125 का आंसर कमेंट करिए। देखिए जब आप इसको कर रहे होंगे तो 125 है तो हम लिख लेंगे 124, हम कितना लिख लेंगे 124, और उसमें से 124 माइनस कर देंगे, जो भी आएगा आंसर आ जाएगा। तो 9 में से 4 गया 5, 9 में से 2 गया 7, 9 में से बन गया 8, तो 124875 आपका आंसर। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या, कुछ भी नहीं ना, सब कुछ ठीक चल रहा है ना, सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं ना, और आपको कैरियर पॉइंट क्लासेस का यूट्यूब चैनल अच्छा लग रहा है ना, तो जो लोग लाइक सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब करें, जिन लोगों ने लाइक नहीं किया वो लोग लाइक करें। लास्ट क्वेश्चन आपकी क्लास का, तो इसको भी कर लेते हैं, 9999 में से 1234 का मल्टीप्लाई करना, तो 9999 में से 1234 का मल्टीप्लाई करना, हम लिख देंगे 1234 है ना, तो 1233 लिख दिया, और जितना लिखा उसकी वो माइनस कर देंगे, तो 1233 माइनस करेंगे तो आएगा 6678, 1233 8766 आपका आंसर।
कोई भी दिक्कत, कोई परेशानी, कुछ भी नहीं ना, सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई और टाइप फाइव तक आपने बिल्कुल अच्छे से, बहुत अच्छे से चीज़ों को समझ लिया। इस क्वेश्चन का आंसर जब आप देख लें, देखिए कितना बड़ा मल्टीप्लाई करना था, तो 9999 में 1234 का करना था, तो 1234 में से एक कम लिखेंगे, 1233 लिख लेंगे, 1233 करने के बाद जो भी लिखेंगे उसको माइनस कर देंगे, तो इसमें से माइनस करोगे 6 आएगा, इसमें से माइनस करोगे 6 आएगा, इसमें करोगे 7 आएगा, इसमें करोगे 8 आएगा, 1233 8766 8766 आपका आंसर। कोई प्रॉब्लम, कोई भी दिक्कत नहीं। तो आज की क्लास में इतना ही था, आज की क्लास में इतना ही था। आगे की जो भी क्लासेस होंगी वो आपकी सिलेबस वाली जो क्लासेस चल रही हैं वो रेगुलर रहेंगी, वो रेगुलर रहेंगी। उसके अलावा इस तरीके की ट्रिकी वीडियो आपके सामने लेके आते रहेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना, कमेंट करें, और सबसे महत्वपूर्ण काम, सबसे इंपॉर्टेंट जो काम आपको है, ये हर स्टूडेंट तक वीडियो पहुंचा दें, हर स्टूडेंट तक वीडियो पहुंचा दें, मतलब इतना शेयर कर दें ताकि जिस जिसको मैथ से प्रॉब्लम हो, सबकी प्रॉब्लम ख़त्म करने के लिए वीडियो बनाएं, तो सभी लोग इसको शेयर कर दें, सभी लोग इस क्लास को शेयर जरूर करें क्लास ख़त्म होने के बाद। तो आज की क्लास में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, शुभरात्रि।